subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री उमा भारती। जी हां, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री उमा भारती बीते कुछ दिनों से जो है चर्चाओं में है और उनके चर्चा का विषय यह है कि उन्होंने तो सबसे पहले ऐलान कर दिया था कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उसके बाद उनका एक बयान आया कि वो चुनाव लड़ेंगी और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने मोहन भागवत का सपोर्ट किया उससे और ज़्यादा वो चर्चाओं में आ गई। लेकिन देखिए, आपको मैं बता दूं कि मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं और वो रिपोर्ट्स ये है कि सेना का अपमान को लेकर जो है एक मामला जो है विवादों में है और सेना के अपमान को लेकर एक मामला जो है आजकल चल रहा है और इस मामले पर उमा भारती ने साफ साफ सफाई दी है और मोहन भागवत का जो है पक्ष लिया है। उन्होंने ये कहा है कि भागवत के बयान ने नहीं बल्कि जेएनयू ने किया है सेना का अपमान, ये कहना है उमा भारती का। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर विपक्षी दलों की आलोचना को लेकर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सफाई दी है। उन्होंने भागवत के सेना पर दिए गए बयान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया है। साथ ही कहा कि सेना का अपमान सर संघ चालक मोहन भागवत के बयान ने नहीं बल्कि जेएनयू ने किया है, उन्होंने साफ साफ कहा। और जिस तरह से उन्होंने मोहन भागवत का पक्ष भी लिया है उससे साफ संकेत होता है कि वो उन्होंने किस तरह से समर्थन किया और कहीं ना कहीं जिस तरह से जेएनयू को लेकर उन्होंने मामला उठाया कि जेएनयू के जो स्टूडेंट है उन्होंने सेना का अपमान किया है। देखिए, आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है कि वो आरएसएस के स्वयं सेवक सेना के सैनिकों से पहले तैयार रह सकते हैं। ये बयान था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। विपक्षी दल के इस आरोप की भागवत के बयान से सेना का अपमान हुआ है के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो तो आप अपने से कुछ भी सोच लेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये सेना का अपमान नहीं है, सेना का अपमान वो है जो जेएनयू परिसर में हुआ था। साथ ही विपक्षी दलों के आलोचना के सवाल पर उमा ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि उस समय सेना के पास बहुत हाईटेक डिवाइस नहीं थे कि तुरंत वहां पहुंचा जाए, क्योंकि ऐसा खतरा आएगा ऐसा सोचा नहीं था। उमा ने कहा कि तब उस समय नेहरू जी ने गुरु गोलवलकर जी को पत्र लिखकर संघ के स्वयं सेवकों की सहायता मांगी थी। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि जब चीन से युद्ध हुआ था भारत का तो उस दौरान जो है स्वयं सेवक संघ के लोगों ने जो है सेना की मदद भी की थी और जिस तरह से उन्होंने मोहन भागवत का स्टैंड लिया है और मोहन भागवत की तारीफ भी की है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इससे बीते दिनों का जो मामला था जिस वजह से उमा भारती चर्चाओं में थी, वो ये था कि उमा भारती ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि यानी कि अब डॉक्टरों की तरफ से एक रिपोर्ट आई है उनके लिए और ये है कि अब वो ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकती हैं, ज़्यादा चल नहीं सकती। हालांकि उन्होंने कहा था कि कैंपेन करेंगी पार्टी के लिए लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यू टर्न मारा था उस पर, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही अलग है और बहुत कुछ दर्शाता है उनके यू टर्न को लेकर। हम आपको उनके यू टर्न के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से उमा भारती ने कहा था कि वो जो है चुनाव नहीं लड़ेंगी। मैं तो कैंपेनर की भूमिका में रहती हूँ, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो जम के कैंपेन करूंगी। तबीयत जिस प्रकार की होती जा रही है, आपको पता हुआ मैं एम्स में 2-3 दिन रही हूँ और कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि 8 साल की उम्र से काम करने लगी बहुत और आज 58 साल की हूँ, लेकिन मेहनत इतनी हो गई जो 100 साल का आदमी करता होगा। और मैं सबसे कठिन समय में आई बीजेपी में, 84 में जब बीजेपी के 2 सांसद थे तब मैं बीजेपी में आई हूँ, तो जो सबसे कठिन मेहनत वाला दौर था मैं उस समय पे आ गई। तो देखा आपने कि उमा भारती ने अपने बयान में कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उमा भारती की अगर मैं बात करता हूँ
काफी समय से देखने को मिल रहा है कि उमा भारती बीजेपी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो पीएम मोदी के कामकाज से बिल्कुल भी खुश नहीं। दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उमा भारती का एक स्टेटमेंट आया था, और वो स्टेटमेंट था, उन्होंने खुद इस स्टेटमेंट में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे चापलूसी नहीं आती और वो साजिश का शिकार हुई है, उन्होंने खुद बोला है। उमा भारती ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्होंने किसी पर निशाना नहीं साधा, लेकिन साफ साफ उनका इशारा बीजेपी की ओर था। उनका साफ साफ कहना था कि अगर आज की जो राजनीति की जा रही है, आज के समय में जो राजनीति हो रही है, वो चापलूसों की राजनीति हो रही है। यदि आप चापलूसी करते हैं तो आपको एक नीचे पायदान से उठाकर ऊपर बैठा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप चापलूसी नहीं करते हैं तो आप वहीं बने रहेंगे। ये कहना था उमा भारती का। तो देखिए, भले ही उन्होंने नाम नहीं ना लिया हो, लेकिन उनके इन बातों में बहुत कुछ बयान कर दिया उन्होंने। और वाकई में उमा भारती ने जिस तरह से बोला था कि ऐसा नहीं है, चलिए मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाता हूं कि उमा भारती ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा था। मोदी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बयान देकर अपने ही साथियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मंत्रिमंडल में अपना कद घटने से नाखुश चली आ रही उमा ने कहा कि आज की राजनीति चापलूसी और साजिश की हो गई है। मुझे ना चापलूसी आती है और ना साजिश, इसीलिए मैं खुद साजिश की शिकार हुई। उमा ने, आपको बता दें, उमा पुराने संसदीय क्षेत्र छतरपुर में थी। संन्यास दीक्षा के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहां एक समारोह आयोजित किया गया था। मोटे के महावीर मंदिर में आयोजित इस समारोह में महंत नृत्य गोपाल दास भी मौजूद थे। इस अवसर पर आयोजित भंडारे में उमा भारती के समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन बीजेपी के नेता इससे दूर रहे। अपने समर्थकों के बीच उमा भारती ने खुद की तुलना मोगली से की। उन्होंने कहा कि जैसे मोगली इंसानों के बीच कुछ आकर समझ नहीं पाया, वैसे ही स्थिति मेरी मुख्यमंत्री बनने पर हुई है। मैं धर्म अध्यात्म को जीने वाली थी, राजनीति की साजिशें और चापलूसी नहीं जानती थी। मैं अपने मोगलीपन में आ जाती थी, जिससे मेरा राजनीतिक जीवन प्रभावित हुआ। उमा ने बीजेपी वालों से ये भी कहा कि 2005 से 2010 तक के दौरे को मैं भुला चुकी हूँ, अब मेरे मन में सिर्फ राम, तिरंगा और गंगा है। उमा ने यह भी कहा कि मुझे बीजेपी में राजमाता विजय राजे सिंधिया लाई, बाद में 2010 में नितिन गडकरी ने पार्टी में मेरी वापसी कराई। उल्लेखनीय है कि उमा भारती को लंबे समय से खुद को उपेक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने खुद को अलग थलग बताया। उन्होंने कहा कि उनका शक्ति प्रदर्शन भी धर्म की आड़ में था, देखना यह है कि आगे वह क्या करती है। तो देखा आपने कि उमा भारती ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये चीजें दर्शाती हैं कि उमा भारती बीजेपी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अगर मैं यूपी की बात करूं, यूपी की तरफ आपको लेकर जाऊं, तो वहां भी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो भी नाखुश जो है नजर आ रहे थे, और नौबत तो यहां तक आ गई थी कि वो जो है पार्टी भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए, उमा भारती के अलावा भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो मंत्री हैं, वो बीजेपी से खुश नहीं है, पीएम मोदी के कामकाज से खुश नहीं है। तो ये सब चीजें बीजेपी के लिए एक मुसीबत बन गई है। और 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 2019 भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा जो है सबक बन गया है, एक मुसीबत बन गई है। अगर यही स्थिति रही मंत्रियों की, नेताओं की, तो बीजेपी 2019 का लोकसभा चुनाव हार सकती है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2019 में किसकी सरकार बनती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में इन दिनों मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक दुखद भरी खबर है। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।